faces, welcome back to my channel, ka precious me. So guys, आज की वीडियो में मैं आपको रिव्यू करके बताऊंगी सारी जो मैंने खरीदी है साइट Ethnicroop.com से. इसका बाइंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, सो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं. एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो पता ना क्या करना है, यू हैव टू लाइक, शेयर एंड कमेंट एज वेल. एंड अगर आप मेरे साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं मेरे चैनल पर और आप रिव्यू वीडियोज देखना चाहते हैं, देन सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड अलॉन्ग विद दैट व्हाट यू हैव टू डू इज press the bell icon in order to stay updated and notified with my latest videos. So guys, without any further ado, let's jump into the video. So guys, this is how I received the saree. So इस तरीके से मुझे मेरी saree receive हुई है. So इस तरीके से clear bag में ये saree receive हुई है. The packaging is really good. So इस तरीके से आपको ये saree मिल जाएगी इस तरीके से clear bag में. मैं आपको ओपन करके बता देती हूँ. सो गाइस, इस तरीके से मुझे मेरी साड़ी रिसीव हुई है. टॉप पे आपको फर्स्टली ये पिक्चर मिल जाएगा इस साड़ी का, दिस हाउ जैसे साइट पे बता रखा है, सो वैसे आपको पिक्चर मिल जाएगा यहाँ पे टॉप पे. एंड अनदर थिंग इज दिस. सो मैं बारी बारी से बता देती हूँ, ये है साड़ी और ये है ब्लाउज का पीस. सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साड़ी की. सो इस तरीके से हमें ये ब्लू कलर में साड़ी रिसीव हो रही है. जॉर्जेट का फैब्रिक है साड़ी का. सो प्लेन साड़ी जैसे हमें पिक्चर में बताई गई है, इट्स अ प्लेन साड़ी. सो आई थिंक इट इज़ अ परफेक्ट लुक फॉर यू, लाइक अगर गर्ल्स को किसी फेयरवेल पार्टी में जाना है एंड कुछ यू नो थोड़ी डिसेंट सी लुक क्रिएट करनी है, सो उसके लिए ये साड़ी अच्छी है. सो इस तरीके से आपको ये साड़ी मिल जाएगी. एंड आपको साड़ी के बॉर्डर पर इस तरीके से ये लेस मिल जाएगी, ये टेसल वाली लेस मिल जाएगी आपको थ्रेड की. इस तरीके से आपको लेस मिल रही है ये साड़ी के ऊपर. सो पल्लू की बात करें, पल्लू पर आपको इस तरीके से लेस मिल रही है, आपको लेंथ ऑफ द साड़ी पर मिल रही है लेस पल्लू के दोनों साइड पर इस तरीके से, यू कैन सी यहां पर और यहां पर और यहाँ पर विड्थ वाली साइड में आपको यहाँ पर पल्लू पर ये मिल रही है लेस. थ्रेड की लेस है टेसल वाली पिंक कलर में. सो दिस हाउ इट इज. और बाकी साड़ी पर आपको किस तरीके से लेस मिल रही है, आपको बस बॉटम ऑफ द साड़ी पर मिल रही है लेस. बाकी साड़ी पर, रेस्ट ऑफ द साड़ी पर आपको इस तरीके से बॉटम ऑफ द साड़ी पर ही मिलेगी ये लेस पिंक कलर. इस साड़ी की टोटल लंबाई है 5.5 मीटर्स की और इसकी जो लेंथ है साड़ी की वो है 44 इंचेस की. 5 फीट 8 इंचेस तक जिनकी हाइट है तो उनको आराम से ये साड़ी आ जाएगी. ये साड़ी बिल्कुल प्लेन है. और आपको यहाँ पर इनर के लिए पेटीकोट के लिए अलग से फैब्रिक नहीं मिल रहा है, सो आपको बस ये साड़ी ही मिलेगी. ब्लाउज की बात कर लेते हैं, इस तरीके से ये ब्लाउज रिसीव होने वाला है आपको. सो गाइस, ये रहा ब्लाउज. ब्लाउज के लिए ये आपको इस तरीके से ये चार मटेरियल आपको रिसीव होने वाले हैं. सो मैं आपको बता देती हूँ कैसे कैसे आपको यूज़ करने हैं. फर्स्ट वाला जो आपको ये फैब्रिक मिल रहा है ये स्लीव्स के लिए है. सो इस तरीके से आपको मिल जाएगा पिंक कलर में फ्लावर की एम्ब्रॉयडरी हो रखी है इस पूरे फैब्रिक के ऊपर, ये स्लीव्स के लिए आ जाएगा. सो लेंथ काफ़ी अच्छी मिल रही है तो आप फुल लेंथ स्लीव्स बना सकते हैं आराम से, लाइक इट्स मोर देन 1 मीटर. आप देख सकते हो मोर देन 1 मीटर ये फैब्रिक. और जो फैब्रिक है वो है बेंगलोरी सिल्क. बेंगलोरी सिल्क फैब्रिक है और पिंक थ्रेड से एम्ब्रॉयडरी हो रखी है. सो अंदर से बता देती हूँ, इस तरीके से फिनिशिंग है. इस तरीके से आपको मिल जाएगा, ये बैक सेक्शन के लिए है, ये आपके बैक सेक्शन ऑफ द ब्लाउज के लिए है. इस तरीके से ये फैब्रिक मिल जाएगा एट 1.15 मीटर्स का आपको ये फैब्रिक मिल जाएगा. एंड Another thing that you are getting is this. So इस तरीके से ये फैब्रिक आपको मिलने वाला है. एंड दिस इज फॉर द फ्रंट सेक्शन. आप पिक्चर के साथ कंपेयर कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कैसे बनने वाला है. सो पिक्चर आपको ऑलरेडी इसके साथ मिल ही जाएगी, सो आप अपने टेलर को वो दे सकते हैं तो वो खुद ब खुद समझ लेंगे कि कैसे बनाना है. सो इस तरीके से आपको ये फ्रंट सेक्शन मिल जाएगा. सो इस तरीके से कुछ ये बन के आएगा, फ्रंट सेक्शन में आपका ऐसे रहेगा.
ये पूरा स्टिच करने के बाद यहाँ से पूरा स्टिच हो जाएगा मिडल से एंड इस तरीके से कुछ लुक क्रिएट होगी। ये और ये थ्रेड एम्ब्रॉयडरी हो रखी है जो जैसे स्लीव्स पर हुई थी ना पिंक थ्रेड से, सो उस तरीके से ही ये थ्रेड एम्ब्रॉयडरी हो रखी है इसके ऊपर भी। और लाइनिंग आपको खुद से लगवानी पड़ेगी, लाइनिंग यहाँ पर प्रोवाइड नहीं हो रखी है, सो अगर आप लाइनिंग लगवाना चाहते हैं तो लाइनिंग आपको खुद से लगवानी पड़ेगी। सो गाइस अब मैं आपको पहन के बता रही थी ये साड़ी कैसे लगती है। Ethnicroop.com से, जैसे मैं आपको पहले बता दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। अगर आप मेरी वीडियो को देखने के बाद इंटरेस्टेड फील करते हैं इस साड़ी को बाय करने के लिए तो आप चेकआउट कर सकते हैं। इनफैक्ट इनके साइट पर आपको और भी बहुत प्यारे प्यारे एथनिक कलेक्शन मिल जाएगी, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं इनकी साइट पर। एंड ये साड़ी परफेक्ट रहेगी समर्स के लिए, लाइक इफ़ यू वॉन्ट टू यू नो क्रिएट अ डीसेंट लुक, लाइक गर्ल्स को फेयरवेल में जाना है सो उसके लिए भी एक बहुत अच्छी है। लाइक साइट पे कैश ऑन ऑप्शन अवेलेबल है, कैश ऑन डिलीवरी आप करवा सकते हो एंड कोई शिपिंग चार्ज पे नहीं करना है, वर्ल्ड वाइड शिपिंग भी अवेलेबल है एंड अलॉन्ग विद दैट यू कैन रिटर्न ऑल्सो। तो रिटर्न पॉलिसी, अगर आपको रिटर्न करवाना है आपका प्रोडक्ट तो आप रिटर्न पॉलिसी पहले पढ़ लीजिए। दिस वॉज द रिव्यू ऑफ दिस साड़ी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन स्टे स्माइलिंग, बाय बाय।